साथियों, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से एक अति खौफनाक वातावरण से गुजर रही है। सभी परेशान हैं, गरीब, मजदूर, छोटे मोटे उद्योजक, दिहाड़ी पर काम करने वाले, सभी के सभी बहुत परेशानी की घड़ी से गुजर रहे हैं। ऐसे ये परेशानी के दौर में भारत सरकार इन तमाम वर्गों के साथ खड़े रहने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह मांग करती है कि सभी गरीबों को 10,000 रुपए भारत सरकार देने का काम करे और छोटे मोटे उद्योजकों के साथ खड़े रहे ताकि मध्यम वर्ग के हाथों तक पैसा पहुंचे। इसी के साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि प्रवासी मजदूरों को निशुल्क और सकुशल घर पहुंचाने का काम भारत सरकार करे। मनरेगा के जरिए 200 दिनों का काम देने का काम भी भारत सरकार की ओर से करने की आवश्यकता है। भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है, यही संविधान में अभिप्रेत है, और ऐसे भारत में भारत की सरकार सभी वर्गों के तरफ न्याय की दृष्टि से देखेगी, मानवता की दृष्टि से देखेगी और कोरोना की यह महामारी से बाहर निकालने के लिए वो हर वो प्रयास करेगी जो भारत के संविधान में अभिप्रेत है, मानवता की दृष्टि से अभिप्रेत है और न्याय की दृष्टि से अभिप्रेत है। धन्यवाद।